स्टीयरिंग यदि पढ़ा लिखा चलाएगा गाड़ी तो बराबर पहुंचेगा, विवेक नहीं होगा तो यही मोबाइल उसके आपघात के, उसके जन्म जन्म के परिवर्तन नहीं पुनरावर्तन संस्कार में निमित्त बन जाए। रोज सुनते रोज कोई बच्ची भाग गई और अब तो ये सुनते हैं कि वो जैन के साथ नहीं, हिंदू के साथ नहीं, विधर्मी के साथ। खास करके राजस्थानियों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी बच्चियों के ऊपर आपका कंट्रोल होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर दो चीज ज्यादा है, एक रूप है और दूसरा रुपया। पर आपको पता नहीं होगा विधर्मियों की एक भूत बनी, पारसी की पकड़ के लाओ इतने लाख मिलेंगे, जैन को पकड़ के लाओ इतने लाख, और जैन में भी राजस्थानी को पकड़ के लाओ और ज्यादा। मैं बंबई जा रहा था भिवंडी सापुर से, और रास्ते में एक स्कूल में ठहरा, छोटा गांव था, खेड़ा गांव था, कोई जैन का घर नहीं था। जैसे ही शाम को हम स्कूल में ठहरे, पास में दुकान थी और एक छोटा बच्चा आया 5 साल का, दुकान में से महाराष्ट्रीयन था, मथेर अंदामी, 5 साल का बच्चा महाराष्ट्रीयन। मैंने उसमें उसके साथ मराठी से बात की, तू कौन, तुझे नाव का है, तुझे आडनाव का है, वडलांचं नाव का है, पटपट बोलने लगा। मैंने कहा कि यह प्योर महाराष्ट्रीयन होकर के इतना अच्छा मथेर अंदाज। उतने में उसकी माँ, मारा साहब मथेर अंदाज, मेरे साथ गुजराती में बात चालू कर दी। मैंने कहा आप गुजराती ये, और उसकी आंखें चालू, सुनना जरा ध्यान से। मारा साहब मैं भिवंडी में रहती थी, जैन की परिवार की लड़की हूं, और हमारी बिल्डिंग के अंदर इसका बाप झाड़ू मारने को आता था, उसने हमारा दोनों का लव हो गया, माँ बाप की इच्छा नहीं थी, ऊपर जाकर के मैंने शादी कर ली। फिर मैं बहुत पछताई, माँ बाप से कहा कि अब मुझे छुड़ाओ, उन्होंने कहा अब तेरे नाम के ऊपर हमने चौकड़ी मार दी, आज से तू हमारी बेटी नहीं है, तेरा जो होना। तो मैंने आगे जाके कहा कि बच्चे को तुम संभालो, कम से कम इस बच्चे में जैन धर्म का नहीं, तू भी नहीं चाहिए, तेरा बच्चा भी नहीं चाहिए। महाराज साहब आस पास में देख करके बोली, कोई देखता नहीं इसलिए कहती हूँ, इस बच्चे को मुझे बड़ा करके अच्छे मार्ग पे चढ़ाना। अब आप खुली, जिस दिन तुमने गलत काम किया उस दिन तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी थी, तुम्हारे पाप की वजह से तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को कितना भुगतना पड़ेगा। कंट्रोल रखो बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। सब दे दिया, गाड़ी दे दी, मोबाइल, कॉलेज, डिग्री। मैं जानता था और मानता था गुजरातियों की लड़की अभी जॉब करती है, लेकिन अब मैंने सुना है राजस्थान की लड़की भी अब जॉब करने का सुन रही है। क्या जरूरत है पैसों की? हमारा साहब कॉलेज में पढ़ाई है, लाखों रुपए का पानी किया है, तो अब डिग्री मिली है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी बच्ची अब जॉब, जैन और जॉब कॉन्ट्रास्ट में। अरे जैनों का बच्चा भी कभी जॉब नहीं करेगा, जॉब करना यानी पगार के लिए हाथ लंबा करना, जैन उसे कहा जाता है, वो कभी ऐसा हाथ नहीं करता है, वो करेगा तो लेने वाला नहीं देने वाला। हम कितने नीचे उतर रहे कितने, और उसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। आइए आज जब दिल की बात करना चाहता हूं तो मेरी एक ही बात है, भगवान शंखेश्वर के पास जाकर अपने स्वभाव का परिवर्तन करना। मेरा तो मेरा आहार, मेरी लालसा, मेरा जुआ, मेरा लोभ, इन सब में मुझे परिवर्तन लाना है।